الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم بهايو أور بهنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हफ्तावार क्लास में आप सब का इस्तकबाल है और आज हम किताबुल कबायर शुरू करने वाले हैं यानी शरीयत में बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं उन गुनाहों के बारे में भी हमारे पास मालूम होनी चाहिए तो किताब तोहहीद पढ़ने के साथ साथ हम बड़े बड़े गुनाहों के बारे में भी इन पढ़ते रहेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कबायर क्या हैं बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं और बड़े बड़े गुनाह किसे कहते हैं तो कबीरा गुनाह उस गुनाह को कहते हैं जिस गुनाह पर किसी तरह की वीद आई हो जहन्नम की वईद अगर आई है उस गुनाह पर तो उसको कबीरा गुनाह कहा जाएगा बड़ा गुनाह कहा जाएगा महापाप कहा जाएगा या उस गुनाह पर लानत अगर भेजी गई हो तो उस गुनाह को भी कबीरा गुनाह कहा जाएगा या उस गुनाह पर गदब और अदाब की वईद भी सुनाई गई है तो उस गुनाह को भी कबीरा गुनाह, महापाप कहा जाएगा उसी तरीके से अगर उस गुनाह में ईमान का इनकार किया गया हो ईमान की नफ़ी की गई हो तो उस गुनाह को भी कबीरा गुनाह महापाप कहा जाएगा और उसी तरीके से जिस गुनाह के इर्तिकाब करने वाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार किया हो कि वो हम में से नहीं तो वो गुनाह भी कबीरा गुनाह ही कहलाएगा तो ये कुछ तारीफ है बड़े बड़े गुनाहों की कि अगर हम पूछें आपसे कि बड़े गुनाह किसको कहते हैं तो आपको ये जवाब देना है कि जिस गुनाह पर जहन्नम की वीद आई हो या जिस गुनाह पर लानत आई हो या जिस गुनाह पर गदब और अदाब की वाइद आई हो या जिस गुनाह पर ईमान की नफ़ी की गई हो या जिस गुनाह के मरतकब से अल्लाह के नबी वसल्लम ने बरात का इजहार किया हो और कहा हो कि वो हम में से नहीं वो हम में से वो हमसे बरी है तो ये सारे के सारे गुनाह कबीरा गुनाह कहलाते हैं अब सवाल यह है कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं तो कबीरा गुनाह बहुत सारे हैं और इस सिलसिले में बाब्ता किताबें लिखी गई हैं सबसे मशहूर एक किताब है किताबुल कबायर। क्या नाम है किताबुल कबायर। ये इमाम जहबी रमतल की है उसमें उन्होंने बड़े बड़े गुनाहों को नोट किया है उसी तरीक़े से और भी बहुत सारी किताबें इस सिलसिले में लिखी गई हैं जिनको हम पढ़ करके उनसे बड़े बड़े गुनाह के बारे में मालूम हासिल कर सकते हैं तो बड़े बड़े गुनाहों में सबसे पहले नंबर पर जो गुनाह आता है वो है शेरक बड़े गुनाहों में सबसे पहले नंबर पर जो गुनाह है वो है शिरक और शिरक क्या है अल्लाह की इबादत में या उसकी ज़ात में या उसके सिफात में किसी दूसरे को शरीक ठहराना ये शिरक है जो तोद का अपोज़िट है और शिरक की माफ़ी नहीं होती जैसा कि हमने कई मरतबा जाना भी है पढ़ा भी है अल्लाह फरमाता है इलाग फ़ेरो कभी ही वग़ फ़िर मादू नदाकलमयशा अल्लाह तिर को माफ़ नहीं करता और शर्क के अलावा जितने गुनाह को भी अल्लाह चाहे माफ फरमा देगा तो सबसे पहला जो कबीरा गुनाह हुआ वह शिरक है और शिरक की दो किस्में होती हैं शिर अकबर और शिरक असगर शिरक अकबर इससे एक इंसान इस्लाम के दायरा से निकल जाता है और उसके सारे अमल बर्बाद हो जाते हैं और शिरक अकबर पर एक इंसान की मौत हो तो उसकी माफ़ी नहीं होती जबकि शिरक असगर ये भी कबीरा गुना है लेकिन शिरक असगर की वजह से एक इंसान इस्लाम से निकलता नहीं और उसकी हमने कई मरतबा मिसालें भी आपको दी हैं जैसे रियाकारी शिक असगर में से है जैसे ये कहना कि अगर अल्लाह चाहे और आप चाहें ये शिरक असगर में से है और उसी तरीक़े से इंसानों की कसम खाना ये भी शिरक असगर में से है तो शिरक की दो कस्में हुई शिरक अकबर और शिरक असगर तो बड़े गुनाहों में से पहला गुनाह शिरक हुआ और इसकी तफसील हमने कई मरतबा आपके सामने रखी है बड़े गुनाहों में से दूसरा गुनाह झूठ है झूठ बोलना झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है इतना बड़ा गुनाह है कि ये एक मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है कि वह झूठ बोले इसी वजह से सही बखारी और सही मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आयतुलमुनाफिकन मुनाफिक की कपटाचारी की, की मुनाफिक किसे कहते हैं जो जाहिर में इस्लाम का दावा करता हो लेकिन दिल में उसने कुफ्र को छुपा रखा हो वो मुनाफिक है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक की तीन पहचान है जब बात करे तो झूठ बोले इदा हद दस कदबा वहीदा वायदा अखलफा और जब वादा करे तो वादा खिलाफी कर जाए वहीदा तुमियाँ खाना और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए गोया के बात में झूठ बोलना अमानत में खयानत करना और वादा खिलाफी करना ये मुनाफिक की पहचान है तो उसमें से एक पहचान क्या है बात करे तो झूठ बोले ये नफाक की पहचान है एक आदमी जब बात करे तो उसमें झूठ बोले इसको हम अमली नफाक कहते हैं और एक होता है एतक़ादी नफाक जब अकीदे का नफाख़ किसी के अंदर पैदा होगा तो इस्लाम से निकल जाता है लेकिन अमल का नफाख़ किसी के अंदर पैदा होगा तो वो इस्लाम से नहीं निकलता मुसलमान ही रहता है लेकिन उसके अंदर गोया के निफाख की एक पहचान पाई जाती है और वो है बात करे तो झूठ बोले जब वादा करे तो वादा से मुकर जाए और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो वो ख़यानत कर जाए और सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैकुम सिद्द सच बोलो सच्चाई को लादिम पकड़ो फ़ैन न सिद का यह दी एलब्र क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ दावत देती है सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है व इनब्र यहदी एलजन्ना और नेकी जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाती है वमा यजालजोलो यशदको वैत हर्र सिद हतीयुक्त बंद ला सिद्दीक़ा कि एक बंदा हमेशा सच बोलता रहता है और सच की खोज में लगा रहता है यहाँ तक के अल्लाह के पास सच्चा लिख दिया जाता है फिर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं व ईयाकमलकदबू से बचो फ़ैनकीब यहदी एललफजूर इसलिए कि गुनाह की तरफ ले जाता है वीन अल्फूर यहदी एलन्नार और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है गोया के झूठ बोलेंगे तो झूठ गुनाह की तरफ ले जाएगा और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाएगा वमा यदालजोलो यकजेबो वर्रलकदीब हतायुक्त तब इंद कज़ाबा और एक बंदा झूठ बोलता रहता है और झूठ की तलाश में लगा रहता है यहाँ तक के अल्लाह के पास झूठा लिख दिया जाता है ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कितनी प्यारी हदीस है इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताकीद की है कि सच्चाई को लादिम पकड़ो क्योंकि सच्चाई तुझे नेकी के रास्ते पर ले जाएगी और नेकी तुझे जन्नत में ले जाएगी और एक बंदा हमेशा सच बोलता रहता है और सच की तलाश में लगा रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के पास सच्चा लिख दिया जाता है और झूठ से बचो क्योंकि झूठ तुम्हें बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाती है और एक बंदा हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ की तलाश में लगा रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के पास झूठा लिख दिया जाता है तो एक बंदे को क्या करना चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए झूठ से बचना चाहिए क्योंकि सच्चाई जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाती और झूठ जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाता है और सच्चाई जब हम इख्तियार करते हैं तो अल्लाह के पास भी हम सच्चा लिख दिए जाते हैं और अगर हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह के पास भी हम झूठा लिख दिए जाते हैं अब सवाल यह है कि हम कैसे अपने आप को सच्चाई का आदि बनाएं? तो इस सिलसिले में अगर हम झूठ की वईद को समझेंगे कि झूठ की जो सख्ती बयान की गई है झूठ की जो वईद बयान की गई है अगर इस झूठ की वईद को झूठ की सख्ती को ध्यान में रखेंगे तो आसानी के साथ हमारे लिए झूठ से बचना आसान हो जाएगा बल्कि अगर कोई आदमी अपने बच्चों को बुलाने के लिए भी ये आवाज़ लगाता है और कहता है कि बेटा इधर आओ मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और वो कुछ देना नहीं चाहता हो तो ये भी झूठ लिखा जाता है चुनानचे हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर सहबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाहु तैयार हो बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ रखते थे मेरी माँ ने मुझे पुकारा और कहा कि अब्दुल्ला इधर आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने उनकी माँ से कहा कि तुम क्या देना चाहती हो उन्होंने कहा कि मैं एक खजूर देना चाहती थी मैं एक खजूर देना चाहती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फ़रमाया कि लम तुमती है शयान कोतबत के का देबा कि अगर तुम उसे कुछ ना देती तो ये भी तुम्हारे ख़िलाफ़ झूठ लिखा जाता अब आप गौर कीजिए बहुत सारी माएँ होती हैं अपने बच्चे को बुलाने के लिए आम तौर पर ऐसा बोल देती हैं कि बेटा इधर आओ बेटा जो आ रहा है इस इरादे से आ रहा है कि कुछ मिलेगा अगर मां नहीं देती है तो यह भी झूठ लिखा जाएगा तो जब हम झूठ की सख्ती को समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम झूठ से बचे रहेंगे यहां तक कि लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ बोलने से मना किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशात फरमाते हैं به القوم فيكذب ويل له ويل له कि अगर कोई आदमी किसी इंसान को हंसाने के लिए लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है तो ऐसे इंसान की बर्बादी है ऐसे इंसान की बर्बादी है यानी वो इंसान बर्बाद हो वो इंसान हलाक हो जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है तो हंसाने के लिए भी झूठ बोलने की हमारी शरीयत में इजाज़त नहीं है तो जब हम झूठ की सख्ती को जानेंगे तो आसानी के साथ हम झूठ से अपने आप को बचा सकेंगे उसी तरीके से ये भी ज़रूरी है कि हम सच्चे लोगों के साथ रहें क्योंकि अगर हम सच्चे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी सच्चाई के आदि बनेंगे और अगर हम झूठे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी उनके जैसे झूठ बोलने वाले बन जाएंगे इसीलिए हमेशा सच्चे लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए नेक लोगों का साथ देने की कोशिश करनी चाहिए बुरी दोस्ती नहीं होनी चाहिए अगर आप बुरी दोस्ती रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोस्त की तबीयत पर एक इंसान होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं अर्रजोलो अला दीन खलील ही अर्रजोलो अला दीन खलील ही फली नदोहद को कि एक आदमी अपने दोस्त के तरीक़े पर होता है इसलिए तुम में से एक आदमी को गौर करके देख लेना चाहिए कि वो आखिर किससे दोस्ती कर रहा है तो ये बहुत अहम नुकता है कि झूठ से हम बचना चाहते हैं तो सच बोलने वालों की सहबत इख्तियार करनी होगी और अगर हम अच्छे लोगों की सहबत इख्तियार करेंगे सच्चों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो और भी बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे और तीसरा तरीक़ा ये है सच्चाई का ख़ुद को आदि बनाने का कि हम ख़ुद सच को लादिम पकड़ें यानी अपने आप को सच्चाई का आदि बनाने के लिए तैयार करें और ये सोचें कि चाहे जाहिर में कितना भी नुकसान क्यों ना हो लेकिन मैं सच ही बोलूँगा और अल्लाह फरमाता है वल्ल न जादूफ़ीना लनदी अनना सबलाना जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं ना हम उनको रास्ता दिखाते हैं और याद रखें अगर आपके सामने में दो ऑप्शन आता है झूठ के दरिया बचने का ऑप्शन और सच बोल करके फंसने का ऑप्शन तो अगर आप सच बोल करके फंस जाते हैं ये बेहतर है आपके लिए क्योंकि अगर आप सच बोल करके फंस जाते हैं तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरीक़े से आपको उससे निकाल देगा और अगर झूठ बोलते हैं तो जाहिर में आप तो बच जाएंगे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी के लिए दुनिया में भी धब्बा बन जाएगा और आखरत में भी ये धब्बा बन जाएगा हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह का किस्सा बहुत मशहूर है गदव तबूक से हज़रत काब बिन मालिक पीछे रह गए थे और उनके साथ दो और साहबी थे हज़रत काब बिन मालिक मुरारा बिन रबी और हिल बिन उमैया इन तीन लोगों ने सच बोल दिया था कि हमारे पास कोई उजर नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने इन तीनों का सामाजिक बाइकाट किया और बहुत सारे मुनाफिकीन थे जो जंग से पीछे रह गए थे और बहाना बना दिया झूठ बोला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उदर कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला ने हमेशा हमेश के लिए उन मुनाफिकीन के गंदे किरदार को अपनी क़ुरान में खोल कर बयान कर दिया लेकिन काब बिन मालिक मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन अमैया रद्ह अजमाइन की तोबा पचास दिन के बाद कबूल हुई और क़्यामत के दिन तक तोबा की कबूलियत की ये आयतें पढ़ी जाती रहेंगी और इन तीनों सहाबा का नाम लिया जाता रहेगा कि उन्होंने सच्चाई इख्तियार की थी इसलिए अल्लाह ताला ने सच्चाई की बुनियाद पर उनको निजात दिया तो याद रखें सच्चाई में हमेशा निजात होती है इसलिए हम अपने आप को शर्क़ से बचाएं और अपने आप को झूठ से भी बचाएं सच्चाई के आदि बने बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है जेना जेना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह जेना है जेना क्या है जेना कहते हैं मर्द और औरत आपस में इत्तिफाक करके शौहर बीवी का ताल्लुक़ क़ायम करें आपसी इत्तिफाक से अगर ज़बरदस्ती है तो वो तो जेना बिलजबर है वो बलात्कार है अगर आपसी इत्तिफाक से भी अपनी खाश पूरी कर रहे हैं शादी के बग़ैर तो ये जना है इस्लाम की नजर में और जना के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया शरा बनी इसराइल आयत नंबर थर्टी टू वला तकरबु जिना वला तबना इन नहों का नफा है शतम वसा असबीला जिना के करीब भी मत जाओ बेशक जैन नहायत गंदी चीज़ है और बुरा रास्ता है अल्लाह ताला ने तेना के करीब जाने से भी मना किया जेना के करीब मत जाओ का मतलब क्या है यानी जैा के करीब ले जाने वाले जो काम भी हैं उन सारे कामों से बचो इसलिए इस्लाम हम ये हुक्म देता है कि अगर किसी औरत पर नज़र पड़ जाती है तो पहली नज़र तो माफ़ है दूसरी नज़र माफ़ नहीं दूसरी नज़र नहीं डालना है हमें नज़र नीचे कर लेना है अगर एक इंसान किसी औरत को देखता है फिर उससे बात करता है फिर उससे मुलाकात करता है फिर उससे वादे करता है और इस तरीके से जेना तक पहुंच जाता है इसलिए जेना तक पहुंचाने वाले जो काम हैं उन कामों पर इस्लाम ने रोक लगा दिया यहां तक के इस्लाम यह कहता है कि दबी जबान से एक औरत बात भी ना करे फला तखदाबिल कौल औरतों को हुक्म दिया गया कि वो बात करे तो सादा गुफ्तु करे दबी जबान से गुफ्तगु ना करे कि ऐसा ना हो कि जो बीमार दिल इंसान है वो कुछ उस औरत से ग़लत उम्मीद बांध ले तो जेना से हमारी शरीयत रोकती है और ज़ना तक पहुंचाने वाले कामों पर भी रोक लगाती है उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी जेना कर लेता है तो उसके लिए इस्लाम सज़ा भी तय करता है क्या है सज़ा देना की अगर जिनाकार मर्द हों या औरत हों शादीशुदा नहीं है, यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई है तो उनको सौ कोरे मारे जाएंगे और एक साल के लिए उनको उस जगह से जलावतन कर दिया जाएगा सौ कोरे मारे जाएंगे और एक साल के लिए वहाँ से जलावतन कर दिया जाएगा ये किसकी सज़ा है जो शादी शुदा नहीं हो और जो शादी शुदा हैं उनकी सज़ा क्या है उनकी सज़ा यह है कि उनको रजम किया जाएगा यानी पत्थर से मार मार कर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा लेकिन जिना साबित होने के लिए इस्लाम ने चार गवाह की शर्त रखी है ऐसा नहीं कि किसी को किसी से दुश्मनी हुई और जाकर के इस्लामी कोर्ट में शिकायत कर दे कि मैंने फ़लाँ को फ़लाँ के साथ में देखा है ऐसा नहीं चलता बल्कि चार गवाह ज़रूरी है और आम तौर पर चार लोगों का किसी आदमी के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो जाना बहुत मुश्किल होता है और उसके साथ साथ जो जज होता है कावी होता है वो हर एक से अलग अलग में अलग अलग तरीके से गवाही लेता है तुमने किस कैफियत में देखा कहाँ पे देखा क्या करते हुए देखा क्या शक्ल थी सारी कैफियत सुनने के बाद चार गवाह अगर इकट्ठा हो जाएं, तब वाकई जिना साबित होगा अगर कावी तीन गवाह पर अतमाद कर लेता है और चौथा गवाह सही साबित नहीं होता तो जानते हैं चारों को हद कदफ़ से दो चार किया जाएगा यानी बहुतान लगाने की सज़ा मिलेगी और बहुतान लगाने की सज़ा कितनी है बताएंगे आप बहुतान की सज़ा कितनी है बहुतान की सज़ा अस्सी कोरे लगाना है अगर कोई औरत कोई मर्द किसी पाक दामन औरत के ऊपर जेना का इल्ज़ाम लगाता है या किसी मर्द पर ही कोई जेना का इल्ज़ाम लगाता है और वो साबित नहीं कर पाता है चार गवाह नहीं पेश कर पाता है तो ऐसे इंसान को अस्सी अस्सी कोरे मारे जाएंगे तो ये रहा सज़ा का मसला कि अगर शादीशुदा हों जिनाकार, तो दोनों को सज़ा दी जाएगी सज़ा क्या है संसार किया जाएगा पत्थर से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा हदीस में आया है कि सौ कोरे भी मारे जाएंगे और संसार भी किया जाएगा लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाम दिया और मायस असलमी रजी अल्लामा को जो सज़ा दी थी वो सिर्फ़ रजम की सज़ा दी थी इसलिए आखिरी हुक्म यही है कि सौ कोरे मारने के बजाय सिर्फ़ रज़म किया जाएगा और रजम कहते हैं पत्थर से मार मार कर उनके लिए गड्ढा खोदा जाएगा और सबके सामने में उनको पत्थर से मार मार कर ख़त्म किया जाएगा जाहिर में लगता है कि ये सज़ा बहुत सख्त है लेकिन इस्लाम ने ये सज़ा इसलिए दी कि साफ़ माहौल और माशरा बन सके यानी अगर किसी इंसान ने जेना किया तो एक इंसान को अगर सबके सामने में सज़ा दी जाती है ना तो पूरा माशरा पाको साफ़ हो जाता है ऐसी गंदी तबीयत के लोग माशरे में हिम्मत नहीं पाते आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में इतने बलात्कार क्यों होते हैं इसलिए कि इंसान का दिमाग जो है ना बहुत छोटा है और अल्लाह आलमीन इंसान की तबीयत को जानने वाला था इसीलिए इंसान की तबीयत के हिसाब से कानून उतारा सऊदी अरब को देखिए वहाँ पर इस्लामी क़ानून लागू है क्या हर दिन जेनाकार को सज़ा मिलती है नहीं लेकिन उसके बावजूद माहौल कितना पाक साफ है कहाँ वहाँ पर बलात्कार हो रहा है कहाँ जैना की क़िस्से आ रहे हैं कहाँ हर दिन दूसरों को सज़ा मिल रही है तो सिर्फ क़ानून होने की वजह से माहौल पाकिज़ा बना हुआ है ये इस्लाम का कानून है इसीलिए आज इस क़ानून को किसी भी धरती पर लागू कर दिया जाए तो उस धरती में अमन व सुकून पैदा होगा अच्छा जिनाकार की बऱी ज़िंदगी में क्या सज़ा है किसी ने जिना किया तौबा नहीं किया या उसको सज़ा नहीं मिली तो जिनाकार की बऱख़ी ज़िंदगी में क्या सज़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बयान फ़रमाया के उन दोनों को यानी जिनाकार मर्दों को और ज़िनाकार औरतों को क्या किया जाता है नंगा करके एक ऐसे तन्नूर में डाल दिया जाएगा जो ऊपर से निहायत ही तंग होगा ऊपर से वो तन्नूर निहायत तंग होगा और नीचे से विशाल होगा नीचे से कुशादा होगा ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा होगा जब तन्नूर के नीचे से आग जलाई जाएगी तो वो चीखेंगे और आग के शोले उन्हें बुलंद करके तन्नूर के ऊपर के सिरे तक पहुंचा देंगे अल्लाह अकबर ऐसी सज़ा जिनाकार मर्दों और, और औरतों को मिलने वाली है बरजखी ज़िंदगी में और ये सजा हमेशा हमेश मिलती रहेगी क्या है सज़ा एक तन्नूर होगा नीचे से बहुत कुशादा होगा और ऊपर से बहुत सख्त होगा तंग होगा उसमें नंगे मर्द होंगे नंगी औरतें होंगी ये नंगे मर्द और नंगी औरतें कौन हैं जिन्होंने जिना किया और उसमें नीचे से आग जलाई जाएगी जब नीचे से आग जलाई जाएगी तो आग की दहक की वजह से उनको ऊपर तक ये आग ले जाएगी और उसी में वो चीखते और चिल्लाते होंगे मामूली चंद मिनटों की ख्वाहिश के लिए एक इंसान ऐसी सज़ा से दो चार किया जाएगा और फिर जहन्नम की सज़ा तो है ही तो गोया के हमेशा रहने वाली नेमत से एक इंसान अपने आप को महरूम कर लेता है मामूली चंद मिनटों की लज्ज़त के लिए इसीलिए जो बंदा जन्नत का रसिया होगा जहन्नम का डर रखने वाला होगा अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक चलने वाला होगा कभी इस तरह का ख़याल भी अपने ध्यान में नहीं जमा सकता तो ये है ज़िना। तो गोया कि हमने शिर के बारे में बात कर लिया झूठ के बारे में बात कर लिया ज़िना के बारे में भी बात कर लिया बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है तलाक़ औरत का बगैर सबब के तलाक़ का मुतालबा करना यानी बताते ख़ुद तलाक़ ये बड़ा गुनाह नहीं है अलबत् एक औरत अगर बगैर सबब के अपने शोहर से तलाक़ की मांग करे तो ये बड़ा गुनाह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक इर्शाद फरमाया एय्युमा इम्रतिन शत जोजहा तलाक़ा मन गैिर मबासिन फ़हरामजन्ना मुसन अहमद की यह हदीफ है अल्लाह के नबी सलीस फ़रमाते हैं कि जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने शौहर से तलाक़ की मांग की तो अल्लाह तर जन्नत की खुशबू को हराम ठहरा देता है बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है ग़ैर फितरी जगह जमा करना क्या मतलब यानी अल्लाह ताला ने शौहर बीवी के ताल्लुक में भी इस बात की वजाहत कर दी है और दीन को सीखने के लिए कोई ऐब की बात नहीं बल्कि दीन को खुल करके सीखना चाहिए ताकि दीन के मसाइल हमें मालूम हो बहुत सारे लोग ना जानने की वजह से ग़लतियाँ कर जाते हैं तो शौहर बीवी का ताल्लुक उस रास्ते में क़ायम होना चाहिए जो रास्ता खेती का रास्ता बताया गया है जिस रास्ते से बच्चे की पैदाइश होती है जो रास्ता गंदा रास्ता है पैखाने का रास्ता है उस रास्ते में अगर कोई आदमी अपनी बीवी से वजीफ़े दौजियत अदा करता है तो ये नहायत ही गंदी हरकत होगी आज ऐसे लोग जिनके पास कोई निज़ाम हयात नहीं कोई जीने का तरीक़ा नहीं ऐसे लोगों को आइडियल बनाते हुए ऐसी गंदी हरकतें लोग कर जाते हैं लेकिन हमारा दिन नहायत पाकिदा दिन है इसने हर जगह पर हमारी रहनुमाई की और कहा कि अगर कोई आदमी पैखाने की रास्ते में अपनी बीवी से जमा करता है तो ये कबिया गुना है हराम है अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं मुस्त अहमद की रिवायत है मलयून ओ आदमी मलयून है उस आदमी पर लानत हो मन अतानफी दोबोरहा जो अपनी बीवी के पीछे से आए यानी अपनी बीवी के पैखाने के रास्ते में जमा करे ओ मलयून है उसके ऊपर लानत हो जो ऐसी हरकत करता है गोया कि ये काम भी बड़े गुनाहों में से एक गुना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा ऐसा काम करने वालों के ऊपर बड़े बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है बीवियों के बीच नाइंसाफ़ी करना यानी एक से ज़्यादा अगर किसी के पास बीवी है तो इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश ज़रूर रखी है कि एक इंसान के पास अगर इस्तात है ताकत है तो एक से ज़्यादा शादी करे लेकिन इस्लाम ने उस शादी को मशरूत ठहराया है आदल के साथ अगर एक इंसान इंसाफ़ कर सकता है तभी वो दूसरी शादी करने का मजाज़ होगा अगर इंसाफ़ नहीं कर सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि एक ही बीवी पर इतफा करें अगर किसी ने दो शादी की और दोनों के बीच इंसाफ नहीं किया और इंसाफ किस चीज में होगा इंसाफ रात गुजारने में होगा इंसाफ खाने पीने की चीजें मुहैया करने में होगा इंसाफ लिबास में होगा तो रिहाइश में लिबास में रात गुजारने में इंसाफ़ ज़रूरी है लेकिन क़लबी मैलान किसी एक की तरफ़ ज़्यादा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक बीवी से उसको ज़्यादा मोहब्बत हो क्योंकि ये दिली मसला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बीवियों से मोहब्बत करते थे लेकिन आयशा रदी अल्लाह तह से मोहब्बत कुछ ज़्यादा थी तो ये दिली ही मैलान हो सकता है और इस पर अल्लाह ताला हमारा मुआदा नहीं करता लेकिन अगर औरतों को बारीकी तकसीम में लिबास में रहने सहने में खाने पीने में इंसाफ़ का मामला उनके बीच नहीं करते तो ये कबीरा गुनाह होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हलम नबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक बयान फ़रमाती हैं मन मनकानत लहु मन कानत लहू इम्रता फ़माल इला अहद हीमा जाो मल़ियामत व शक् हो माअलन जिस किसी के पास दो बीवियाँ हों जिस किसी के पास दो बीवियाँ हों उनमें से किसी एक की तरफ़ वो उमायल हो जाता है तो कल कल़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसका एक सिरा गिरा हुआ होगा एक धर उसका गिरा हुआ होगा क्यों इसलिए कि दुनिया में उसने अपनी दो बीवियों में से एक की तरफ उसका मैलान हो गया और दूसरों के साथ उसने नाइंसाफ़ी की थी तो ये भी कबीरा गुनाह में से गुनाहों में से है कि अपनी बीवियों के बीच इंसाफ़ ना करे कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है औरतों से मुसाफ़ा करना कौन सी औरतें गैर महरम औरतें वो औरतें जो महरम हैं महरम से मुराद जिनसे शादी करना जायज़ नहीं वो महरम औरतें हैं तो जिन औरतों से शादी करना जायज़ नहीं है इस्लाम में उन औरतों से मुसाफ़ा करना जायज़ है उन औरतों से मुसाफा कर सकते हैं जैसे माँ से मुसाफा कर सकते हैं बेटी से मुसाफा कर सकते हैं खाला से मुसाफ़ा कर सकते हैं फूफी से मुसाफा कर सकते हैं भतीजी से मुसाफा कर सकते हैं भांजी से मुसाफा कर सकते हैं सास से मुसाफा कर सकते हैं तो ये वो औरतें हैं जिनसे शादी हराम है तो उनसे मुसाफा करना है। मर्द अपने अपनी महरम औरतों से मुसाफा कर सकता है लेकिन जिन औरतों से शादी करना जायद है ऐसी औरतों से मुसाफा करना कबीरा गुना है हराम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इन नला निशा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत से मुसाफा नहीं करते थे गैर महरम औरतों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जम अत्तबरानी की रवायत के मुताबिक सख्त वईद बयान की ऐसे लोगों के लिए जो किसी गैर महरम औरत से मुसाफा करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया ला युतअना फी रास अहदिकुम बिमखीतिन मिन हदीदिन खैर लहू मिन अय्यमस इमरातन ला तहिल्लु लहू तुम्हारे सर में लोहे की सुई चुभाई जाए ये आसान है इस बात से कि तुम में से एक आदमी किसी गैर महरम औरत से मुसाफा करे इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम अपना दर्स ख़त्म करते हैं इन अगले दर्स में ये सिलसिला जारी रहेगा